नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए अंग्रेजी की पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ब्स। यस फ्रेंड्स, वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स को हिंदी में क्रिया भी कहते हैं। जब किसी भी चीज एक्शन हम दिखाते हैं या फिर कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं, किसी भी प्रकार का कार्य हम करते हैं जिसमें कुछ एक्टिविटीज होती है, तो उसे हम क्रिया कहते हैं। यस फ्रेंड्स, नाउ यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिख रखे हैं जिससे क्रिया का ज्ञात होता है, जैसे कि ईट, ईट यानी खाना, स्लीप यानी सोना, ड्रिंक यानी पीना, रीड यानी पढ़ना, राइट यानी लिखना, वॉक यानी चलना। तो इन सारे शब्दों में आपने देखा कि कुछ क्रिया हो रही है, कुछ एक्टिविटी हो रही है, कुछ एक्शंस किया जा रहा है, तो ये सारे क्या हो जाते हैं? वर्ब्स है, क्रिया है ना। यहाँ मैंने कुछ वाक्य दिए हैं उदाहरण के तौर पे, जिससे आप वर्ब की और अच्छे से जानकारी होगी। जैसे मैंने लिखा है आई प्ले फुटबॉल, यहाँ प्ले वर्ड जो है खेलना, वो एक क्रिया है, तो आई प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट मैंने लिखा है वी रीड बुक्स, वी रीड, रीड एक पढ़ने की क्रिया है, तो वो है वर्ब है। नेक्स्ट यू ड्रिंक मिल्क, तुम दूध पीते हो, तो पीना एक क्रिया है कि तुम दूध पीते हो, क्रिया है ड्रिंक। नेक्स्ट यू ऑल वॉक डेली, तुम रोज चलते हो, तो वॉक एक क्रिया है। यू ऑल वॉक डेली, तुम सब चलते हो, तो यू ऑल वॉक एक क्रिया है। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात आपको समझानी है, यहाँ मैं इसको एक बार रब कर देती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने सब चीजों को सब चीजों को जितने भी हमने पढ़ी है सबको पर्सन्स के साथ रिलेट करते आए हैं, तो आज हम वर्ब्स को भी पर्सन्स के साथ रिलेट करने की कोशिश करेंगे। यस फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू और यू ऑल सेकंड पर्सन है। तो आई के साथ मैंने वर्ब को यहाँ पर एक कोई वर्ब लिखना है, जैसे कि आई प्ले, ठीक है। आई के साथ हम लिखते हैं प्ले, वी के साथ भी हम लिखते हैं प्ले, यू के साथ भी हम लिखते हैं प्ले, यू ऑल के साथ भी हम लिखते हैं प्ले। यस, तो ये फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन है, और हम इधर तो थर्ड पर्सन में ही शी आता है। यस, यदि आपने हमारा प्रोनाउंस का वीडियो नहीं देखा है, तो पर्सन वाला वीडियो नहीं देखा है, तो अवश्य देख लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ये शी और ये ची वाई दे, ये आता है थर्ड पर्सन की कैटेगरी में। ये थर्ड पर्सन। यस फ्रेंड्स, तो यहां आपने देखे देख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन के साथ मैंने क्या क्रिया लगाई है, प्ले। तो दोनों फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन सॉरी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हमने प्ले लगाया है। यस, नाउ सेकंड पर्सन के साथ भी हमने यू यू ऑल के साथ में प्ले लगाया है, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर जो कि ही शी है या फिर किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, तो उसके साथ हमने वर्ब में एस लगाया है, एक टू एस लगा दिया है इस वर्ब के साथ हमने, और दे जो प्लूरल है थर्ड पर्सन का उसके साथ भी हमने प्ले लगाया है। तो सभी वर्ब्स में हमने सभी पर्सन में आपने देखा कि वर्ब के साथ में प्लेन वर्ब है, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में एस लगा हुआ है, यानी यदि यदि किसी व्यक्ति का भी नाम होगा तो उसके साथ भी हमने वर्ब के साथ में एस लगाना है। सपोज किसी व्यक्ति का नाम हम ले लेते हैं कि राम, सपोज एक राम ले लेते हैं, तो राम ही राम प्लेस क्रिकेट। यस, तो वो किस तरह से हो जाएगा, राम प्लेस क्रिकेट। तो हमेशा ये बात याद रखनी है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमें वर्ब के साथ एस लगाना है। यस फ्रेंड्स, होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, कुछ वर्ड्स की जानकारी आपको मिली होगी। तो हमारे फीडबैक सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में जाके फीडबैक अवश्य दें, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। थैंक यू फ्रेंड्स।